नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। फिलहाल हम रोहतास जिले के सासाराम विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ यहां पे महागठबंधन के लोग हैं, इसके अलावा एनडीए के लोग हैं और निर्दलीय जो हैं सपा के भी लोग हैं। तो निश्चित रूप से और उनके सामने हमारे सामने भी यहाँ की जनता जनार्दन है। पहला सवाल आप ही से बताइए। हम एनडीए के लोगों से पूछना चाहते हैं, 20 वर्ष से इनका प्रत्याशी रहा और यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में एक भी स्कूल न खोला गया। आज बच्चों को एडमिशन के लिए दूर दूर भटकना पड़ता है, प्राथमिक विद्यालय तक नहीं नया खुला। जो राज्य सरकार बैठी हुई है, जो मिड डे मील का जो भोजन चल रहा है विद्यालय में, जो मिड डे मील का समय है 1 बजे जाना चाहिए विद्यालय पर, वो 11 बजे लेकर जाता है। और खाना इतना घटिया खाना अभी किसी अगर किसी बच्चे को आप दे दीजिए, आपको अगर दिया जाए तो आप नहीं खा सकते हैं। सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था क्यों, लोगों क्यों बाहर जाना पड़ रहा है? राज्य सरकार यहाँ लच्चर है, उसके हिसाब से यहाँ शिक्षा व्यवस्था चौपट है। राज्य सरकार इसके लिए दोषी है। यहाँ की सड़कें बहुत बुरे खस्ता हाल में है। यहाँ जो भी नया नाला का डेवलपमेंट हुआ है वो शहर के रोडों से 2 फीट ऊंचा है। थोड़ा सा भी बारिश का मौसम होता है पूरा शहर लबोलब हो जाता है, हर जगह जल जमा होता है। इस पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ हाथ जोड़ने का काम इनका है। ये जनता के बीच में सिर्फ हाथ जोड़ के ही रह जाते हैं। बहुत बहुत अहम सवाल है आपसे जाने। सड़क दीजिए, हम बताओ सड़क। हाँ, आप ही बताओ। अभी 1,34,00,000 का रोड नंबर 1 और 2 रौजा गेट में जो बन रहा है अभी, वजीरगंज से जो कंचनपुर के जो नदी है वो 2 करोड़ का है। यानी हर पंचायत में अभी नया सिरे से हर पंचायत में हर नगर परिषद में 3-3 लाख रुपया का योजना खुला है। अगर किसी को नजर नहीं आता है वो आके जाकर देखे। योजनाएं चल रही हैं इनका कहना है। आप सर, बहुत बड़ी समस्या है। ये सासाराम विधानसभा है, मुख्य ये रोहतास का ये मुख्य शहर है। यहाँ पर अगर दूर दराज से भी आते हैं, अगर गांव से भी आते हैं, सासाराम से आते हैं, तो इतना जाम रहता है कि बच्चा समय से स्कूल नहीं जा पाता है। मरीज कितना दम तोड़ देते हैं, जामों से निजात नहीं आ रहा है। तो जो लोग सवाल करने वाले लोग हैं वो शासन में 7.5 साल तो वो लोग थे कि नहीं थे? वो कहाँ थे? किस क्षेत्र में इन लोगों ने विकास किया? जहाँ तक ये लोग बात करते हैं जंगल राज का, कि लालू प्रसाद का राज जंगल राज था, ये प्रचार लोग करने वाले लोग थे। जनता ने किया है और हाँ नहीं, जनता जन, जन, जनता ने हमने यह डालमिया डाल नहीं होता डाल, सवाल जनता है। डालमिया नगर जैसा उद्योग जो बंद हो गया था, हमारे नेता जब रेल मंत्री बने लालू प्रसाद, इसको उसने अधिग्रहण करने का काम किया और 5,000 करोड़ दे करके इसका उन्होंने पुनर्धार किया। हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। इतना अभी 7 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। एक बीजेपी बीजेपी से विधायक जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, कोई जांच में सहयोग किया नहीं। उन्होंने किस कारण से इस घोटालों को दबवा दिया? अभी अभी पूरा शहर जलमग्न है इस गर्मी के दिनों में भी, और जनता त्राही त्राही कर रही। विधायक को कोई मतलब नहीं है, खाली जय श्री राम हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ा आरोप है। हम बताते हैं सर, इनको मालूम होना चाहिए जिस दिन हल्ला हुआ कि हमारे नगर परिषद में घोटाला हो रहा है, सबसे पहले भाजपा भारतीय जनता पार्टी रोड पर आई थी और नगर परिषद के चेयरमैन और स्थानीय जो कार्यपालक अभियंता है उनका हम लोग पुतला दहन किए थे। इनको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग इनका जो है विरोध करना शुरू कर दिए थे। एक और सवाल है राकेश, बताइए। जी सर, पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार के लोकसभा चुनाव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने यहाँ के खासता बोले कि हम जब हवाई जहाज से ताकि यहाँ सूखा है, कोई उद्योग नहीं है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप हमारे प्रत्याशी को जिताइए, 100 दिनों के अंदर यहाँ सासाराम में उद्योग लगाएंगे। सासाराम क्षेत्र में उद्योग क्या, उद्योग का एक पाइप तक नहीं गिरा है, ये कैसा क्यों? कोई उद्योग नहीं है, बताते हैं सर। ये काम राज्य सरकार का जमीन देने का काम है, अगर आप जगह नहीं दीजिएगा तो हम लोग उद्योग कहाँ से लगाएंगे? हाँ सर, ये बहुत इनका अच्छा सवाल है, मैं इनका सपोर्ट करता हूँ, समर्थन करता हूँ। मैं भी नौजवान हूँ, क्योंकि हमारे राज्य सरकार के लोग, हमारे बिहार के लोग दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ महागठबंधन के लोगों से, जो हम लोग के पास पत्थर उद्योग है, अगर हमारे पास अगर ये पत्थर उद्योग चला अगर चले तो हमको लगता है कि राजस्व राज्य सरकार को भी जाएगा और हमारे रोहतास जिला में
इतनी राशि आएगी, इतनी राशि आएगी कि हमको नहीं लगता है कि किसी का सहयोग लेने का सहयोग। ये मामला कोर्ट में है सर, पत्थर उद्योग का मामला कोर्ट में है। एआरजेडी गठबंधन और ये एनडीए गठबंधन एक चोर है, एक काला चोर है, ये दोनों का मिलीभगत है। और इन्होंने ये जो पत्थर का व्यवसाय का बात बोल रहे हैं, तो ये भाजपा के माननीय श्री सुशील मोदी जी का ही बंद कराया हुआ पत्थर का उद्योग है, जिसे 50,000 जनता यहाँ के मर रही है, गरीब जनता, कितने लोग यहाँ के मर रहे हैं, कितने व्यवसायी बंद हो गए हैं। भाजपा के साथी ने सवाल उठाया कि जमीन के बारे में, यहाँ दो चीज राज सरकार के बारे में बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जिस चीज के लिए जमीन मांगा है, यहाँ पर केंद्र सरकार ने जमीन मांगा सेंट्रल स्कूल के लिए, मैंने यहाँ उपलब्ध कराया सेंट्रल स्कूल के लिए। मुझसे सरकार ने मांगा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, मैंने उपलब्ध कराया इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। जहाँ तक सवाल है उद्योग के लिए, उद्योग के लिए केंद्र सरकार ने जमीन हमसे मांगा है कि हम जमीन दें। दो चीज के लिए जमीन मांगा, दोनों चीज का मैंने जमीन उपलब्ध कराया है। रोहतास में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, हम लोग शेरशाह किला का दुहाई देते हैं, रोहतासगढ़ किला का दुहाई देते हैं, लेकिन उसमें पर्यटन के लिए 1 रुपये का भी कोई काम नहीं हुआ। वहाँ का पानी तक इतना गंदा है, इतना गंदा है कि पर्यटन वहाँ एक बार जाते हैं तो शायद कसम खा कर जाते हो। सारे सवाल बीजेपी वालों के लिए ही आ रहे हैं, बताइए। अभी जो शेरशाह का रोजा है वो न्यायपालिका के हाथ में है, जो भी कार्य होगा वो सरकार के माध्यम से होगा। अभी बता रहे हैं हमारे बड़े भाई, अभी यहाँ नौहट्टा तरफ चले जाइए, जो रायगढ़ का किला है वहाँ आप जाकर घूमिए, टूरिज्म का जो व्यवस्था है जितना होना चाहिए। रोहतासगढ़ किला के लिए 12,500 करोड़ रुपया, मैं डाटा के साथ कह रहा हूँ, 12,500 करोड़ रुपया आकर पड़ा है इस जिले में, उसमें से क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ। इनका 80% चापा कल विधायक जी का फंड दिया हुआ, बोले जनता की बंद है कि नहीं बंद है, यही नहीं चापाकल व्यक्तिगत लोगों को दिया गया है। गुलक्षणी में चलिए, 2 आदमी का नाम मैं नाम रखता हूँ, एक पंडित जी को दिया, उनका समर सेबुल लगा के अपना लोग यूज कर रहा है। बड़ा गंभीर आरोप है। नहीं सर, इस तरह का नहीं, आरोप लगाना तो मान लीजिए किसी का आम बात है, लेकिन जो चापाकल लगता है वो 250 फीट उसको गलाया जाता है और उसको सही सलामत चालू किया जाता है। अगर इस तरह का क्लेम है, वो नगर वार्ड पार्षद है, अगर इस तरह का क्लेम है तो आप पीआईटी विभाग को आप एक सूचना दीजिए, चिट्ठी दीजिए कि इस तरह का अगर काम आप कराते हैं तो इस काम को रोकवाया जा सकता है। काफी सिकवे हैं, शिकायतें हैं सासाराम की जनता के पास, विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन ताकत आप ही के पास है, वोट देने की ताकत आप ही के पास है, सोच समझ के इस ताकत का उपयोग कीजिए, निश्चित रूप से आपको विकास देखने को मिलेगा। बिहार के सासाराम से मैं प्रशांत, कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ। भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमरी बात।